ओम शांति। देखो हमारे पास रोज अभी दीपावली मना रहे हैं, खुशियों में मना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भारत के त्यौहार है अभी संगम युग पर, जो परमात्मा बाप से जो प्राप्ति हुई है, जो सुख पाया है, जो समझ मिली है, तो अर्थ सहित मनाते हैं। राखी बंधन है, जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, दशहरा है, अभी दिवाली है। दशहरे का हम मनाते हैं भाई, सारे रावण के 10 शीश खत्म करने हैं, क्योंकि रावण को 10 शीश इसलिए दिखाते हैं, 5 वो तो कहते हैं 5 विकार है, सब जानते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, पर 5 और विकार है, कौन से है, ईर्ष्या, आवेश, आलस, अलबेलाई और अच्छा बनने के लिए बहाना बनाना। संसार के और सब काम करेंगे, पर तो अध्यात्मिकता को हम जीवन में लाने के लिए, अपने जीवन का को अच्छा मिसाल दुनिया के लिए बनाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए आलसी होंगे, अलबेलाई भी होंगी, बाकी ईर्ष्या में मनुष्य का बहुत टाइम जाता है। इसलिए इस सब रियलाइजेशन से अपने आप को 10 विकारों को अंदर ही अंदर ज्ञान योग ज्ञान मिला है, मैं आत्मा हूँ, योग है परमात्मा मेरा पिता है, अवधारणा है जीवन में मेरे में ऐसे गुण होवे जो ईश्वर के शक्ति से मेरे जो पुराने अवगुण खलास हो जावे, सर्वगुण संपन्न बन जाऊं, संपूर्ण पहले निर्विकारी बनेंगे तो संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बन सकेंगे। इसलिए ये पुरुषार्थ में हम लोगों की जो सारी जीवन बड़ी अच्छी उस एम से लक्ष्य से ऐसी अच्छी जीवन है, जो जी चाहता है सब ऐसी जीवन अपनी बना लेवे, ऐसे ठीक है। इस खुशी में हर रोज दिवाली मना रहे हैं, फॉरेनर्स भी सभी इस दिवाली मनाने के लिए माउंट आबू में आते हैं, क्योंकि खुशी मनाना माना पुराना सब खत्म, सब खत्म, सब कुछ नया जीवन, नई ऐसी जीवन जीना है जो हम जिए और को अच्छी जीवन जीने के लिए प्रेरणा देवें, क्योंकि साधारण जीवन तो एक दो को देख करके जीना आसान है, पर ऊंची अच्छी श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए सच्चाई संग समझ और समय बहुत अच्छा है। ये अपने जीवन को आत्मा जागे औरों को जगाए दिवाली पर, सब दीपावली क्यों मनाते क्या करते हैं, पहले तो सब पुराना ख़त्म करते हैं, घर को नया, कपड़ा नया, सब नया, पर हम दिवाली मनाते पुराना कोई स्वभाव है, संस्कार है, वो सब ख़त्म करके नया जीवन ऐसी हो जैसे परमात्मा बाप की हमारे ऊपर प्यार भी है, दुआएं भी है, शक्ति भी है, सकाश भी है। कहते हैं बच्चे जो बनना हो अब बन जाओ, तुम बनेंगे तेरे को देख जग बनेगा, तो ये एक दो को देख करके जो प्रेरणा मिलती है अच्छी जीवन जीने की, सुखमय जीवन जीने की, अल्पकाल के सुख का दुनिया में क्या है, कितनी मेहनत करते अल्पकाल का सुख है, पर अंदर में सदाकाल का दुख है। अभी सदाकाल का सुख पाने के लिए त्याग, पुरानी बातों का त्याग, तपस्या, एक परमात्मा बाप को अच्छी तरह से ऐसे याद रखें
जो ये आत्मा है ना, ये यहाँ आत्मा रियलाइज होता है ना, तो यहाँ से ये आंख ही बदल जाती है। मैं दुनिया में कहाँ भी जाती हूँ, तुम्हारी आंखों में क्या है, मेरी आंखों में क्या है, जो अंदर मनुष्य के दिल में होता है, वृत्ति में होता है, वो दृष्टि में होता है। तो दृष्टि में भी दिल में है ना, वो दृष्टि के द्वारा अनुभव होता है, रहम स्नेह सच्चाई। ठीक है, आपको पसंद है ऐसे? अभी आओ सब ऐसी दिवाली मनाए, सब मिल करके एक मत परमात्मा के डायरेक्शन से अच्छे बन करके, एकता में आ करके भिन्नता को मिटा देवे। ओके, एक मिनट साइलेंस में मैं हम ओम शांति से लिए कहते हैं, मैं आत्मा शांत, पर मैं तीन बारी ओम शांति अंदर से कहती भी हूँ, किसको कहलवाती भी हूँ। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मेरे में शक्ति आ गई। पर संसार में होते हुए न्यारा, प्रभु का प्यारा बनना हो तो ऐसी दिवाली मनाओ जो सदा सुखमय जीवन, शांति और प्रेम स्वरूप जीवन का अनुभव ओम शांति।